हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर गुड एंड डूइंग गुड इन योर लाइफ, राइट? सो दिस इज हेमंत कुमार नायक इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, राइट? सो हम लोग जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है केमिकल इंजीनियरिंग के गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है? तो वी विल स्टडी अबाउट ऑल द फार्मूलाज एंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग फॉर गेट 2023, राइट? वेरी लेस टाइम्स आर देयर टू प्रिपेयर, राइट? सो फॉर दैट आई विल बी टीचिंग यू गाइस, राइट? आई हैव डन मास्टर फ्रॉम IIT गुवाहाटी इन केमिकल इंजीनियरिंग, राइट? सो आई हैव सम टीचिंग एक्सपीरियंस ऑल्सो. सो फॉर दैट यू कैन स्टार्ट अवर डिस्कशन, राइट? सो देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स. फर्स्ट विल स्टडी अबाउट फ्लूड मैकेनिक्स, राइट? फ्लूड मैकेनिक्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद लोग नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक? तो स्टार्ट करते हैं. तो मैं पहले भी बता चुका था फ्लूड मैकेनिक्स का, उसको कंटिन्यू करेंगे. तो जहाँ पे एंड हुआ था उसके आगे देखेंगे. तो फ्लूड मतलब इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी और फ्लूड प्रॉपर्टी के बारे में पहले से मैं बता चुका हूँ आप लोगों को. ये सब बता चुका हूँ इसलिए दोबारा नहीं उसको बताऊँ. सरफेस टेंशन के बारे में बात हो चुकी है, बबल हो गया, ड्रॉप हो गया, कैपिलरी राइज के बारे में बता दिया था, बाउंड्री लेयर थ्योरी, ठीक है? हमारे पास बाउंड्री लेयर बनते हैं जब फ्लो करता है ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, ड्यू टू विस्कोसिटी. उसके बाद यहाँ तक बता चुका था, ठीक है? स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन है क्या, उसके बारे में बता चुका था कि उसके लिए इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है ये वाला, ठीक है? इसको आपको यू हैव टू रिमेम्बर दिस फार्मूला, ठीक है? डी आर बाई वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई यू प्लस डी वाई बाई वी इज इक्वल टू डी जेड बाई डब्ल्यू, राइट? प्लस नहीं होता, इक्वल टू होता है, ठीक? तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है? तो इसके बाद आता है क्या, पाथ लाइन, ठीक? तो पाथ लाइन, इट इज द एक्चुअल पाथ बाई एन इंडिविजुअल इंडिविजुअल आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, राइट? तो पाथ लाइन्स है हमारे पास, इट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ बाई एन इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल फॉर सम टाइम पीरियड, ठीक है? कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक? तो ये पार्टिकल इमेज वेलोसिटी, पार्टिकल इमेज वेलोसीमेट्री PIV इज यूज टू ट्रेस पाथ लाइन, ठीक? तो पाथ लाइन को ट्रेस करने के लिए यूज किया जाता है. उसके बाद एक और लाइन होता है स्ट्रीक लाइन, इट इज ए लोकस ऑफ फ्लूइड पार्टिकल दैट हैव पास सिक्वेंसली थ्रू अ डिस्क्राइब पॉइंट इन द फ्लो. तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान रख लेना है. टाइम लाइन है, इट इज अ सेट ऑफ एब्सेंट फ्लूड पार्टिकल दैट वेयर मार्क्ड एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है? तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. इसमें इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे, अप्रोचेस इन मैकेनिक्स, ठीक है? तो ये अप्रोचेस होते हैं, लैग्रांजियंस पार्टिकल अप्रोच होता है, यूलर फील्ड अप्रोच होता है, ठीक है? फॉर अ फ्लूइड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी एंड विस्कोसिटी द इक्वेशन ऑफ मोशन इज नोन एज नेवियर स्टोक्स इक्वेशन. तो ये पूछ देता है, ठीक है? तो आपको इसको ध्यान रखना है. फॉर अ फ्लूइड ऑफ कॉन्स्टेंट डेंसिटी एंड विस्कोसिटी, अगर डेंसिटी एंड विस्कोसिटी कॉन्स्टेंट है तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं, नेवियर स्टोक इक्वेशन, ठीक है? तो ये यहाँ पे रहता है.
तो ये सब क्या है, नेवियर स्टोक इक्वेशन है, तो उसका फाइनल कंक्लूजन आता है ये वाला, ठीक है। रो डी वी बाई डी टी इक्वल टू माइनस डेल्टा पी प्लस म्यू डेल्टा स्क्वायर वी प्लस रो जी, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस फार्मूला इफ यू आस्क इन एग्जाम, नेवियर स्टोक इक्वेशन, व्हाट इज नेवियर स्टोक इक्वेशन, सो यू हैव टू आंसर दिस राइट। आफ्टर दैट वी हैव व्हीलर इक्वेशन। व्हीलर इक्वेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इक्वेशन, विच सेज फॉर कॉन्स्टेंट डेंसिटी एट जीरो विस्कोसिटी एज इन पोटेंशियल फ्लो इक्वेशन ऑफ मोशन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के लिए इक्वेशन होता है रो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी प्लस रो जी, राइट। माइनस डेल्टा पी प्लस रो जी, तो ये वाला इक्वेशन भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज व्हीलर इक्वेशन, तो इफ ऑप्शन इफ इट इज गिवन इन ऑप्शन देन यू हैव टू क्लिक दिस आंसर राइट एज योर करेक्ट आंसर। सो आफ्टर दैट वी हैव अनदर फार्मूला ऑल्सो। तो थोड़ा सा भी टेक्निकल इशू है, एवरी पॉइंट आई विल डिस्कस गाइस, डोंट वरी। वेट फ्लो, वेट फ्लो क्या है वो देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज वेट फ्लो, तो फॉर अ फ्लो बिटवीन रोटेटिंग सिलेंडर एंड अ स्टेशनरी कंसेंट्रिक सिलेंडर इज नोन एज वेट फ्लो, फॉर दैट म्यू इज रिलेटेड टू दिस। म्यू इज इक्वल टू एफ एस बी बाई ए वी नॉट, एफ एस बाई ए शियर स्ट्रेस, ठीक है। शियर स्ट्रेस होता है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट क्वेट फ्लो आपको बता रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी जैसे पाइप है, दो लोकेशन है, ठीक, वन एंड टू लोकेशन पाइप का, ए एंड बी, राइट। सो ए एंड बी दो लोकेशन है पाइप का, उसके हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन पता रहता है, ठीक है। रो वन ए वन बी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू बी टू, ठीक। तो अगर लोकेशन थ्री रहता तो ये और भी होता, रो थ्री वी थ्री ए थ्री, अगर लोकेशन थ्री में पता करना पड़ता उसके लिए, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। एवरी ईयर वन क्वेश्चन केम फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट राइट। सो उसके बाद आया था हमारा इंपॉर्टेंट प्यारा सा इक्वेशन, ठीक है, बर्नोलीस इक्वेशन। बर्नोलीस इक्वेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूलर्स इक्वेशन, यूलर इक्वेशन से इट इज कम फ्रॉम यूलर इक्वेशन राइट। इट इज अ मैकेनिकल एनर्जी इंटर कन्वर्जन रिलेशन प्रेशर वेलोसिटी एलिवेशन, ठीक है। प्रेशर रहता है, वेलोसिटी एंड एलिवेशन मतलब हाइट, ठीक। तो वैलिड फॉर स्टेडी स्टेट इनकम्प्रेसिबल नो फ्रिक्शनल फ्लूड इनविसिड फ्लूड, मतलब विस्कोसिटी इसमें जीरो लेना होता है, ठीक है। और नॉट एप्लीकेबल इन बाउंड्री लेयर एंड अ वेग रीजन, ठीक है। तो ये है इसका इम्पोर्टेंट टर्म एंड अ कंडीशन। एंड ऑफ ओरिजिनेटेड ऑल्सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी मिलता है। फ्लूड पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग स्ट्रीम लाइन एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड टू स्टडी फ्लो सिस्टम। इसका स्टेटमेंट है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारा इसका, ठीक है। इस आपको देख सकते हो क्या, द सम ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल एंड द फ्लो एनर्जीज ऑफ पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट अलॉन्ग स्ट्रीम लाइन ड्यूरिंग स्टडी, तो वे ना कंप्रेसिबिलिटी एंड ऑफ फ्रिक्शनल इफेक्ट्स आर नेग्लिजिबल, ठीक। तो ये होता है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हमारा बर्नौली इक्वेशन का, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पी प्लस रो वी स्क्वायर बाय टू प्लस रो जी जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए क्या क्या है, पी स्टेटिक प्रेशर है और रो वी स्क्वायर बाय टू डायनेमिक प्रेशर है, और मोशन रिप्रेजेंट द प्रेशर राइज व्हेन फ्लूइड इन मोशन इज ब्रॉट टू स्टॉप एसेंट ट्रॉपिकली राइट। तो ये है। और उसके बाद क्या है यहाँ पे, पी स्टेगनेस सम ऑफ द स्टेटिक एंड डायनेमिक प्रेशर इज नोन एज स्टेगनेशन प्रेशर। स्टेगनेशन प्रेशर जो है वो पी स्टेगनेशन मतलब बस स्टेटिक एंड डायनेमिक प्रेशर को हम लोग वेट कर देंगे तो उससे आ जाएगा स्टेगनेशन प्रेशर। तो पी स्टेगनेशन इज इक्वल टू पी प्लस रो वी स्क्वेयर बाई टू, राइट। तो ये हो गया।
मेजर्ड बाय पीटार ट्यूब, स्टेग्नेशन प्रेशर को पीटार ट्यूब के द्वारा मेजर किया जाता है। व्हेन स्टैटिक एंड स्टेग्नेशन प्रेशर वाज मेजर्ड एट स्पेसिफाइड लोकेशन, द फ्लूइड वेलोसिटी ऑफ दैट लोकेशन, ठीक है, तो ये मिल जाता है। पीटार ट्यूब से आप मेजर करोगे तो उसमें स्टेग्नेशन प्रेशर वाला रिलेशन है, वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू पी स्टेग्नेशन माइनस पी डिवाइडेड बाय रो, ठीक। तो यहाँ से इन टर्म्स ऑफ हेड अगर पूछा जाएगा बार्नौली की इक्वेशन, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पी बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड इज इक्वल टू एच जो होता है कॉन्स्टेंट, ठीक है, हेड इसी को बोलते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ हेड अगर आता है तो प्रेशर हेड इसको प्रेशर हेड, इसको वेलोसिटी हेड, इसको वेलिवेशन हेड, ठीक है। तो तीन हेड मिल के एक बर्नौली इक्वेशन आता है, तो इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो बर्नौली इक्वेशन का इन टर्म्स ऑफ हेड जो कि इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन बनेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये बर्नौली इक्वेशन हो गया। इसके बाद हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, ठीक, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन ये होता है स्टेटिक हेड प्लस एलिवेशन हेड, तो इसका अगर आता है तो उसको पी बाय रो जी प्लस जेड, ठीक है। उसके बाद एनर्जी ग्रेड लाइन, उसके लिए भी एनर्जी ग्रेड लाइन इज स्टेटिक हेड प्लस डायनेमिक हेड प्लस एलिवेशन हेड, ठीक। तो इसका जो सम होता है वो होता है पी बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड, ठीक है। तो एनर्जी ग्रेड लाइन है, तो टू टाइप्स ऑफ ग्रेड लाइन्स आर देयर, तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन आंसर क्वेश्चन, राइट। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। करेक्शन फैक्टर दिया रहेगा, मेंशन रहेगा, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी टर्म जो है वी स्क्वायर बाय टू इज रिप्लेस बाई अल्फा वी स्क्वायर बाय टू, ठीक है, वेयर अल्फा इज काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, ठीक है। तो अल्फा इज टू फॉर फुली डेवलप लेमिनर फ्लो एंड अल्फा इज 1.04 to 1.11 फॉर टर्बुलेंट फ्लो, राइट। तो इसके लिए जनरली हमें अल्फा इज इक्वल टू 1.05 की ध्यान रखना है। तो फाइनल फॉर्म जो है बर्नौली इक्वेशन का वो बन जाता है, उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पी वन बाय रो जी प्लस अल्फा वन बी स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड वन प्लस एच अपम इज इक्वल टू पी टू बाय रो जी प्लस अल्फा बी टू स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड टू प्लस एच टर्बाइन प्लस एच हेड लॉस, जो भी लॉस होता है यहाँ पे, एच एल जो है फ्रिक्शनल लॉस है, जीरो फॉर पोटेंशियल फ्लो, अगर पोटेंशियल फ्लो है उसमें तो आपको जीरो लेना है, ठीक। तो यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर भी दिया है और उसमें और हेड निकाला है पंप का, तो उससे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको ध्यान रखना। दो टाइप के फ्रिक्शन है जिसके बारे में केट ने क्वेश्चन पूछा भी है, तो इसके थोड़ा देख लेते हैं। स्किन फ्रिक्शन जनरेटेड व्हेन फ्रिक्शन इज अकर्ड इन व्हेन फ्रिक्शन इज अकर्ड इन सेपरेटेड बाउंड्री लेयर, ठीक है, बाउंड्री लेयर अनसेपरेटेड मतलब बाउंड्री लेयर सेपरेट नहीं हुआ रहते, उस केस में जो फ्रिक्शन हमें देखने को मिलता है वो उसको बोलते हैं स्किन फ्रिक्शन। मेनली ये क्या सरफेस ऑफ द पाइप के कारण है होता है, टू सरफेस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फॉर्म फ्रिक्शन व्हेन बाउंड्री लेयर सेपरेट, जो बाउंड्री लेयर बन रहे हैं वो सेपरेट हो रहे हैं, एंड द फॉर्म वेक एडिशनल्स एनर्जी डिसिपेशन अकर्स विद इन द वेक ऑफ फ्रिक्शन ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड फॉर्म फ्रिक्शन। एजीटी फंक्शन ऑफ पोजिशन एंड शेप ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो सॉरी उसको शेप सॉलिड मतलब उस शेप भी होता है उसका फॉर्म फ्रिक्शन, ठीक है। पंप एफिशिएंसी डिपेंड होता है, इसके बाद पंप एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू एफ पी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू पी, यहाँ पे डब्ल्यू एफ पी फ्रिक्शनल लॉस और यूनिट मास ऑफ पर यूनिट मास ऑफ फ्लूड, ठीक है। तो जितना फ्रिक्शनल लॉस हो रहा है पर यूनिट मास ऑफ फ्लूड, तो ये यहाँ पे डब्ल्यू पी जो है पावर, ठीक है, पावर जो पंप का पावर है, तो ठीक, तो ये पावर एफिशिएंसी हो गया। और व्हेन बोथ द पॉइंट इज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द फ्लूड इज पंपिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी स्टोरेज, तो वहाँ पे क्या करना है, बोथ द पॉइंट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मतलब दोनों का पॉइंट मतलब पी वन और इक्वल टू पी टू दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आप कैंसिल ले लेते हैं। अब एंड फ्लूड इज पंपिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी स्टोरेज वी वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो स्टेशनरी स्टोरेज से पंप किया जा रहा है, तो उसमें जो स्टोरेज में रखा हुआ है उस समय तो उसका वेलोसिटी जीरो होगा, ठीक है, इसलिए वी वन इसमें जीरो ले देते हैं, तो यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाता है, और ठीक है। और इसके बाद रिलेशन हमारे पास बन के आ जाएगा वी टू, मतलब ये जो पंप के जो बाहर मतलब डिस्चार्ज हो रहा है उसका वेलोसिटी, तो वो हो जाएगा वी टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू जी जेड टू माइनस जेड वन, राइट। तो ये होता है। अब इन जनरल वी इज इक्वल टू टू जी एच लिख सकते हैं, यहाँ पे एच जो है एच शुड बी वाटर लेवल इनिशियल एंड डिस्चार्ज पॉइंट डिस्टेंस, राइट। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आ जाता है
इनकम्प्रेसिबल फ्लो जैसे है उसमें डेंसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, कंप्रेस करने से उसका डेंसिटी चेंज होता है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो इन पाइप्स एंड चैनल, ठीक है, तो फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड्स एंड पाइपलाइन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रेशर ड्रॉप एंड हेड लॉस, ठीक है, हेड लॉस ऑफ प्रेशर ड्रॉप इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, पाइप है फॉर लिक्विड फ्लो, ठीक है, नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल है, वेट फॉर गैस, स्मॉल क्रॉस सेक्शनल ट्यूब, ठीक, तो इसका पॉइंट है, उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एंड पाइप इज यूज फॉर लिक्विड फ्लो बिकॉज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैन बी एक्सटेंड हायर प्रेशर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड विदाउट सिग्निफिकेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांजिशन एंड लेमिनर फ्लो टू टर्बुलेंट फ्लो इज डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, सरफेस रफनेस, फ्लो वेलोसिटी, सरफेस टेम्परेचर, टाइप ऑफ फ्लूइड, पाइप वाइब्रेशन, ठीक, तो ये सब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर एक आता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको ध्यान रखना है। एफ इज इक्वल टू टाउ डब्ल्यू डिवाइडेड बाय रो वी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू टाउ डब्ल्यू बाय रो वी स्क्वायर, ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है वो बताता है वॉल शियर स्ट्रेस, ठीक है, ये वॉल शियर स्ट्रेस है, डिवाइडेड में आएगा आपका डायनेमिक प्रेशर रिलेटेड टू स्किन फ्रिक्शन, ठीक, स्किन फ्रिक्शन को रिलेट करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर ड्रॉप इन एंड हेड लॉस, ठीक है, प्रेशर ड्रॉप और हेड लॉस फॉर फॉर लेमिनर फ्लो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू 8 μL वी एवरेज बाई आर स्क्वेयर और इसका 32 μL वी एवरेज डी स्क्वेयर। तो पाइप के लिए आपको प्रेशर ड्रॉप, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बार बार इससे क्वेश्चन आते हैं। तो प्रेशर लॉस जो होता है डेल्टा पी एल इज इक्वल टू एफ एल बाई डी रो वी स्क्वायर बाय टू, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एफ डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर होता है वो 8 τ W बाय रो स्क्वायर, तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 4 F, यहाँ पे एफ जो है फैनिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है, फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर, राइट, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो ये सब है। फैनिंग फ्रिक्शन इंटू 4 हो जाएगा डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर 8 τ बाई रो वी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रेशर जो ड्रॉप है वो 32 μU बाई डी स्क्वायर फॉर लेमिनर फ्लो इन पाइप, ठीक है, और वहाँ से प्रेशर लॉस है, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो, ठीक है, फ्रिक्शन फैक्टर फॉर फुली डेवलप लेमिनर फ्लो इन सर्कुलर पाइप, ठीक है, सर्कुलर पाइप का केस है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है एफ इज इक्वल टू 64 μ बाई रो डी वी या 64 बाई रेनॉल्ड नंबर, ठीक है, या तो 16 बाय इन टर्म्स ऑफ फैनिंग फ्रिक्शन, फैनिंग फ्रिक्शन के टर्म में आपको ध्यान रखना है एफ इज इक्वल टू 16 बाई आर, ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू 16 बाई आर, ठीक है, तो ये इसका इम्पोर्टेंट आ जाता है। अब हेड लॉस है, हेड लॉस एच एल डेल्टा पी एल बाई रो जी, तो ये हो जाएगा एफ एल बाई डी वी स्क्वायर बाई टू जी, तो ये इसका इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, तो हेड लॉस के लिए तो मतलब जो प्रेशर लॉस है उसको रो जी से डिवाइड कर देना होता है, ठीक है, तो ये होता था। अब व्हेन डेल्टा पी इज नोन रिक्वायर्ड पंपिंग पावर टू ओवरकम द प्रेशर लॉस, ठीक, तो ये पंप का पावर निकालना है, तो ये हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, वी डॉट डेल्टा पी एल इक्वल टू वी डॉट रो जी एच एल इक्वल टू एम डॉट जी एल, ठीक, तो बेसिकली जो पंप का पावर है, ठीक है, वो हो जाता है एम मास फ्लो रेट जी और हेड, ठीक है, जो हेड निकलता है वो, तो इसको ये जो है मास फ्लो रेट, तो ये क्यू जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है और उसको डेंसिटी से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, तो जो मास फ्लो रेट होता है वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इनटू डेंसिटी कर देते हैं, तो यहाँ पे ये सब रिलेशन है आपको ध्यान रखना। वी डॉट जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, एम डॉट जो है मास फ्लो रेट है, ठीक है, तो ये हो गया आपका पावर, ठीक, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पता ही होता है वी डॉट एरिया इनटू वी एवरेज, ठीक है, तो ये पाइप के केस में बता रहा हूँ मैं, P1 माइनस P2 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 μL आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये फार्मूला है डेल्टा पी आई डी स्क्वायर बाय 128 μL, ठीक है, तो यहाँ से जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आ रहा है डेल्टा पी पाई डी पावर 4 डिवाइडेड बाई 128 μL, इसको क्या बोलते हैं हेगन पॉइसली इक्वेशन, ठीक है, तो ये हो गया, और यहाँ से जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है
वो डायमीटर के पावर में 4 होता है, ठीक है। तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टू पावर 4, ये होता है, ठीक है। पंपिंग रिक्वायर्ड इज रिड्यूस बाय 16 फैक्टर बाय डबलिंग पाइप डायमीटर, ठीक है। तो पाइप डायमीटर को हम चेंज करके फॉर इंक्लाइंड पाइप, ये होता है, ये रिलेशन आप देख सकते हैं इंक्लाइंड पाइप। तो अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, इसलिए जो क्विक रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोलिक रेडियस निकालना होता है, तो उसके लिए क्या करना होता है, एस बाई एल पी, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ चैनल डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ऑफ चैनल इन कॉन्टेक्ट विथ रूट, ठीक है। तो ये आर एच जो होता है, मतलब हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक है, वो क्या होता है, एरिया डिवाइडेड बाई वेटेड पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर जो होता है उस। तो ये हो गया आपका हाइड्रोलिक रेडियस, और अगर हाइड्रोलिक रेडियस पता चल गया तो हम इक्विलेंट निकाल सकते हैं, इक्विलेंट डायमीटर, ये होता है 4 टाइम्स ऑफ आर एच, राइट, 4 टाइम्स ऑफ आर एच, यहाँ पे दिया ही है। और ये तो इसको क्या है, फॉर सर्कुलर पाइप के, सर्कुलर ट्यूब है, उसके लिए एरिया पाई डी स्क्वायर बाय 4 होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उसका वेटेड पेरीमीटर होगा 2 पाई आर, मतलब पाई डी। तो यहाँ से आ जाता है आर एच डी बाई 4, और इक्विलेंट डायमीटर निकालना है तो 4 टाइम्स आर एच होता है, इसलिए 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इससे बचेगा डी। तो इक्विलेंट डायमीटर फॉर सर्कुलर ट्यूब इज डी, राइट। तो इस टाइप से हाइड्रोलिक रेडियस अगर आता है और इक्विलेंट डायमीटर, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अलग अलग केस के लिए अलग अलग होता है। तो अगर अगर इसमें इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर ऑफ एनुलस आर एच, हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ एनुलस निकालना है, तो उसके लिए अगर दिया है इनसाइड डायमीटर एंड आउटसाइड डायमीटर टाइप के केस में, तो आर एच इक्वल टू डी 0 - DI/4। इक्विलेंट डायमीटर ऑफ स्क्वेयर डक्ट विथ विथ बी इज डी एच इज इक्वल टू, ठीक है, डी एच इज इक्वल टू, तो चार्जिंग कर लेते हैं, चार्ज गाइस। तो इक्विलेंट डायमीटर अलग अलग केस में, फॉर डिफरेंट केस वी कैन हैव डिफरेंट रिजल्ट फॉर इक्विलेंट डायमीटर। इक्विलेंट डायमीटर ऑफ स्क्वायर डक्ट विद बी इज 4B² / 4B, ठीक है। तो अब इक्विलेंट डायमीटर फॉर पैरेलल प्लेट इक्विलेंट इज 2B, इसको ध्यान रखना है, व्हेन बाउंड्री लेयर सेपरेशन अकर्स देन हेड लॉस एच एफ ग्रेटर देन एच फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शनल लॉस जो है उससे ज्यादा होता है हेड लॉस, बाउंड्री लेयर सेपरेशन अगर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेमिनर फ्लो न्यूटोनियन, ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूड का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ठीक है। तो लेमिनर फ्लो के केस में, तो डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस टाउ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई आर डब्ल्यू म्यू आर, राइट। तो यहाँ से आपका वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाता है, वी इज इक्वल टू टाउ डब्ल्यू बाई 2 R W µ, आर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे आर डब्ल्यू है रेडियस ऑफ ट्यूब, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोकल वेलोसिटी इज लोकेटेड इन सेंटर ऑफ पाइप, ठीक है। तो मैक्सिमम सेंटर ऑफ पाइप में क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, तो यू मैक्सिमम इज इक्वल टू टाउ डब्ल्यू आर डब्ल्यू बाई 2 म्यू होता है, ठीक है। और इससे एक रिलेशन आता है ये वाला, यू बाई वी मैक्स इज इक्वल टू 1 - स्क्वेयर ब्रैकेट आर बाई आर डब्ल्यू स्क्वेयर, ठीक है। ये आपका याद रखना है, तो ये इसका मतलब क्या है, वी इज इक्वल टू यू मैक्स 1 - RbRW का स्क्वेयर, राइट। तो ये होता है हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ पाइप। यहाँ से एक लेमिनर केस है, तो यू मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ यू एवरेज होता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। फॉर लेमिनर यू मैक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ यू एवरेज, ठीक। तो और ये टर्बुलेंट के लिए दिया रहेगा कुछ, ठीक है। फिर दोनों में रिलेशन पूछेगा, रेशियो ऑफ यू मैक्स ऑफ लेमिनर टू यू मैक्स ऑफ टर्बुलेंट, राइट। तो फॉर लेमिनर फ्लो इन एनुलस, ठीक है, लेमिनर फ्लो इन एनुलस एफ इज इक्वल टू 16 बाई फाई ए इज इक्वल टू एफ डी आई बाई डी जीरो फाई ए इज इक्वल टू 1 फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, फाई ए इज इक्वल टू 1.5 फॉर पैरेलल प्लेन्स, राइट। तो ये हो गया। द वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर विंगम प्लास्टिक फ्लूइड फ्लोइंग अंडर लेमिनर कंडीशन इन अ पाइप इज पैराबोलिक इन नियर वॉल एंड फ्लैट इन द मिडिल, ठीक है। तो पैराबोलिक
होता है नियर वाल, ठीक है, वाल में पैराबोलिक होगा और प्लेट इन द मिडिल, ठीक है, प्लेट इन द मिडिल, इस टाइप से होता है, ठीक है, आपको देख सकते हो। तो यहाँ पे जो नियर वाल है वहाँ पैराबोलिक है और बीच में क्या होता है, प्लेट होता है, ठीक, इस टाइप से होता है। और बिंघम प्लास्टिक फ्लूड, ठीक है, फ्लोइंग इन अ फ्लो इन पाइप इन लेमिनर कंडीशन, ठीक। तो वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, तो उसके बाद लेमिनर के बाद टर्बुलेंट का देख लेते हैं। तो उसके लिए वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर टर्बुलेंट फ्लो इज गिवन हियर, सो यू कैन सी दैट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर गेटिंग एग्जाम, राइट। तो यहाँ पे यू मैक्स माइनस यू अपॉन वी स्टार इज इक्वल टू 2.5 ln r by r माइनस r, हियर y इज इक्वल टू r माइनस r, ये डिफाइन है, ठीक है। पावर पावर लॉ वेलोसिटी प्रोफाइल यू बाय यू मैक्स फॉर टर्बुलेंट के केस में हो रहा है, ठीक है, यू बाय यू मैक्स इज इक्वल टू वाई बाय आर टू द पावर 1 - n, 1 / n इज इक्वल टू 1 - r / r टू द पावर में 1 / n, राइट। तो ये पावर लॉ वेलोसिटी प्रोफाइल तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है गेट के लिए। रिजल्ट आप देख लो, इन अदर एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल u बाई यू मैक्स इज इक्वल टू 1 upon 1 + 3.75 √m/2, राइट। तो रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, तो ये हो गया। u बाई यू मैक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर होता है, तो जनरली v बाई यू मैक्स लेमिनर 1/2 होगा, ठीक है। ये जो रिजल्ट है उसके लिए होता है लेमिनर फ्लो के लिए। अब इसमें इफेक्ट ऑफ रफनेस आता है, इफेक्ट ऑफ सरफेस इज टेड टू बी स्मूथ व्हेन विस्कस सब लेयर सबमर्जेस द रफनेस एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया, इफ अ रफ पाइप इज स्मूथर एफ रिड्यूस, ठीक है, व्हेन फर्दर स्मूथिंग ब्रिंग्स नो फर्दर रिडक्शन इन द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर अ गिवन रेनॉल्ड नंबर द ट्यूब इज सेड टू बी हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ, ठीक है। मतलब फ्रिक्शन फैक्टर को कम करते जा रहे हैं उसमें, मतलब स्मूथ करते जा रहे हैं, तो नो फर्दर रिडक्शन, ठीक है, फर्दर उसको रिडक्शन नहीं हो रहा है, उस केस में क्या हो जाता है, हाइड्रो डायनेमिकली स्मूथ, उसके बाद फर्दर स्मूथ नहीं हो जाता, ठीक। तो ये वन कार्मन इक्वेशन गिव द हाइड्रो डायनेमिकली स्मूथ ट्यूब, ठीक। तो ये वन कार्मन रिलेशन होता है, उस केस में 1 upon में आता है √m/2 इज इक्वल टू 2.5 ln re स्क्वायर में f/8 + 1.75, तो ये होता है वन कार्बन इक्वेशन फॉर हाइड्रोडायनेमिक स्मूथ पाइप, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू एफ आर ई बाई डी, एप्सिलॉन बाई डी रिलेटिव रफनेस होता है, मीन हाइट ऑफ रफ बाई पाइप डायमीटर, ठीक। तो ये हो गया, फ्रिक्शन फैक्टर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट एंड प्रेशर ड्रॉप एंड टेबुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टर्बुलेंट इन स्मूथ वेल एज वेल एज एंड रफ पाइप एज, ठीक है। तो 1 √f इक्वल टू -2 लॉग ऑफ ई एप्सिलॉन बाई डी 3.7 2.51 रेनॉल्ड रूट है, इसको कोलब्रुक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक। तो कभी कभी क्या है ना, रिलेशन डायरेक्ट हो जाता है, ठीक, तो इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। तो कोलब्रुक इक्वेशन अगर आता है तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो ज्यादा आता नहीं है वैसे इस क्वेश्चन, ठीक है। कोलब्रुक इक्वेशन इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय मूडी चार्ट, मूडी चार्ट में किसको बताया जाता है, तो कोलब्रुक इक्वेशन को, ठीक। तो फॉर टर्बुलेंट फ्लो एफ इज इक्वल टू 0.046 रेनॉल्ड नंबर टू द पावर में -0.2, ठीक है, यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर 50,000 to 1 × 10^6 वेरी करता है, और फॉर रेनॉल्ड नंबर 3000 से 3 × 10^6 है, तो एफ इज इक्वल टू 0.0014 + 0.125 / re^0.32, ठीक। तो ये क्विक रीजन है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अगर आपको जो नहीं पता है ना उसको आपको नोट करना है, बाकी जो पता है उसको आपको एक बार रिवाइज करना है, ठीक। तो फॉर ब्राउन कॉपर ब्रास पाइप में भी कंसिडर्ड एज हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ, अगर पूछ देता है हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ जो है उसमें आपको कॉपर ब्रास ये सब कुछ ध्यान रखना है, और स्टील और अदर रफ पाइप एफ इज डिपेंडेंट ऑफ रेनॉल्ड नंबर, फॉर रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 10^6 देन द रिलेशन इज कम आउट टू बी एफ इज इक्वल टू 0.026 एप्सिलॉन बाय डी टू पावर में 0.24, राइट। उसके बाद कुछ लॉसेस होते हैं, जो लॉस होते हैं माइनर लॉसेस उसको देख लेते हैं। तो सडन एक्सपेंशन के केस में है, ठीक है, ऐसा एक्सपेंशन के केस में है, तो उस केस में जो लॉस होता है एच एफ ई इक्वल टू के ई वी ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे के ई एक्सपेंशन लॉस इफेक्ट कोफिशिएंट,
ये वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे के ई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस ए स्मॉल बाई ए लार्ज टू द पावर में स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया सडन एक्सपेंशन के लिए माइनर लॉस। डायरेक्ट पूछ सकता है सडन एक्सपेंशन के लिए माइनर लॉस ये सब दिया रहेगा, ये जे के ई दिया रहेगा, पूछ देखते हैं। तो कभी कभी ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में हिसाब से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो सडन एक्सपेंस कॉन्ट्रेक्शन, अब कॉन्ट्रेक्शन है मतलब क्या है, सडन कॉन्ट्रेक्ट हो रहा है मतलब उसका फ्लो रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, एरिया कम हो जाएगा। तो इसके लिए एच एफ सी के सी पी बार स्क्वायर बाई टू फार्मूला होता है, के सी कॉन्ट्रेक्शन लॉस कोफिशियंट फॉर लेमिनर के सी लेस देन 0.1, और के सी निकालने के लिए 0.4 ब्रैकेट में 1 माइनस ए डाउन स्ट्रीम बाई ए अप स्ट्रीम, इसको आपको ध्यान रखना, ठीक। तो ये हो गया। अब फिटिंग एंड वॉल्व के लिए, फिटिंग एंड वॉल्व के लिए जो होता है लॉस वो होता है के एफ वी बार स्क्वायर बाई टू के एफ लॉस ऑफ लॉस फॉर फिटिंग, राइट। तो ये 3 टाइप के माइनर लॉसेस मैं बता दिया, और वी हैव टू सी अदर्स, राइट। इक्विवेलेंट लेंथ होता है उसके लिए एल इक्विवेलेंट इक्वल टू बाई एफ के एल, डायमीटर ऑफ पाइप, ये द टोटल हेड लॉस कॉज बाई द कंपोनेंट इज इक्विवेलेंट टू द हेड लॉस कॉज बाई सेक्शन ऑफ पाइप लेंथ हूज लेंथ इज एल इक्विवेलेंट। एक जो लॉस जितना भी होता है ना, बहुत सारा अगर उसमें सिस्टम है तो उसको एल इक्विवेलेंट रूप से डिफाइन करते हैं। तो टोटल फ्रिक्शनल लॉस जो हो जाता है एच एफ इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एफ एल बाई डी प्लस के सी प्लस के ई प्लस के एफ और वी बार स्क्वायर बाई टू। तो टोटल फ्रिक्शनल लॉस इन पाइप, वो उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर सीरीज फ्लो रेट कॉन्स्टेंट प्रेशर ड्रॉप वेरीज, ठीक। फॉर पैरेलल फ्लो रेट वेरीज प्रेशर ड्रॉप कॉन्स्टेंट, तो फॉर सीरीज के केस में क्या होगा, फ्लो रेट कॉन्स्टेंट होता है प्रेशर ड्रॉप वेरी करता है, ठीक है, पाइप नेटवर्क में। फॉर पैरेलल के केस में क्या होता है, फ्लो रेट वेरी करता है और प्रेशर ड्रॉप कॉन्स्टेंट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फॉर सीरीज में क्या करना है, हेड लॉस 1 लोकेशन इज इक्वल टू हेड लॉस ऑफ 2, तो उससे आ जाएगा F1L1d इंटू V1 स्क्वायर बाई 2G, ये रिलेशन से आप डायरेक्ट कैलकुलेट। फॉर पैरेलल के केस में इसको ध्यान रखना है, ठीक। पैरेलल के केस में V1 बाई V2 हो जाएगा F2 बाई F1 L2 बाई L1 D1 बाई D2 टू पावर 1 बाई 2, V1 बार बाई V2 इज इक्वल टू, ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, ये ठीक है। अब उसके बाद मिसलेनियस कुछ इम्पोर्ट, इसमें और भी मिसलेनियस हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं। मिसलेनियस है उसको देख लेते हैं। मिसलेनियस तो पास्कल्स ला जो कि फ्लूइड स्टैटिक्स का है, ठीक है। द प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। मतलब क्या होगा, कोई पॉइंट है उस उसमें ऑल डायरेक्शन में है, मतलब PX है, PY है और PZ, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट पे तीनों डायरेक्शन में प्रेशर सेम होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे कोई है, यहाँ पे प्रेशर अलग होगा लेकिन इस पॉइंट का जो प्रेशर है, ठीक है, सभी डायरेक्शन में सेम होगा। मतलब नीचे यहाँ इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, लेकिन इस पॉइंट पे जो आर डायरेक्शन का प्रेशर है वो सेम होता है, ठीक है। तो ये पास्कल लॉ ही बताता है। अब एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर मेजर्ड विथ रिफरेंस टू एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। गॉज प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर मेजर्ड विथ रिफरेंस टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एच डेटम उसको बोलते हैं। तो वैक्यूम प्रेशर प्रेशर बिटवीन एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको दोनों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पी एब्सोल्यूट इक्वल टू पी एटीएम प्लस पी गॉज, और वैक्यूम वाला हो रहा है तो पी वैक्यूम इज इक्वल टू पी एटीएम माइनस पी एब्सोल्यूट, ठीक। तो यहाँ से ये ऐसा लिख सकते हैं पी एब्सोल्यूट इक्वल टू पी एटीएम माइनस पी वैक्यूम। तो अगर वैक्यूम प्रेशर निकालना है तो यहाँ माइनस साइन होता है, गॉज प्रेशर निकालना है तो यहाँ प्लस। तो पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटीएम प्लस पी गॉज फॉर गॉज मेजरमेंट, फॉर वैक्यूम मेजरमेंट पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटीएम माइनस पी वैक्यूम, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। बॉयंसी इंपॉर्टेंट आ जाता है, बॉयंसी व्हेन अ बॉडी इज इमर्स इन फ्लूइड एंड अपवर्ड फ्री फोर्स इज एग्जर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द बॉडी, दिस अपवर्ड
अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड बॉयंसी। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये ग्रेविटी कारण नीचे जाता है, लेकिन और नीचे जा रहा है लेकिन उसमें ड्रैग फोर्स लगता है, ठीक है, तो दोनों का जो डिफरेंस है, इसमें वेट भी लगेगा, तो दोनों का जो डिफरेंस है वही बॉयंसी होता है। ठीक है, तो बॉडी वेट प्लस फोर्स होल्ड दैट बॉडी वो पोजिशन, ठीक है, जो मतलब उसका वेट और उसको उस पोजिशन पे जो फोर्स होल्ड करके रख रहा है, उसी दोनों का सम को बॉयंसी फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाता है एफ इज इक्वल टू बी माइनस डब्ल्यू, ठीक है, और उससे आ जाता है एफ इक्वल टू रो जी बी माइनस एम जी, वेट इक्वल टू एम जी होता है। तो ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये बॉयंसी केस में इतना देखना होता है। द डिफरेंस बिटवीन द डाउनवर्ड एंड अपवर्ड फोर्स इन अ बॉडी इज नोन एज बॉयंट फोर्स, विच इज एक्चुअली नेट अपवर्ड फोर्स। जो अपवर्ड फोर्स जितना लगता है ना एक्चुअल में, वही होता है बॉयंसी फोर्स। तो रो ऑफ फ्लूइड जी वी, ठीक, वेयर वी इज एच ए वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसके बाद ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इमर्स इन अ फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी एंड इट एक्स अपवर्ड थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया। फॉर फ्लोटिंग बॉडी एफ पी इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये हो जाता है फ्लोटिंग हो रहा है ना उस केस में, तो इससे वही मतलब क्या होता है, जैसे ये है हरकुलिस प्रिंसिपल से यही फायदा होता है। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कुछ है, तो दोनों का जो क्या होगा, प्रेशर सेम हो जाता है। ठीक है, तो उससे आ जाता है प्रेशर जो है फोर्स बाय एरिया होता है। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा, तो यहाँ से दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों पॉइंट में इक्वेट कर देते हैं, तो और एफ बी इक्वल डब्ल्यू हो गया, तो यहाँ से रिलेशन आता है वी सब बाय वी टोटल इज इक्वल टू रो ऑफ बॉडी रो ऑफ फ्लूइड। तो ये हो, व्हेन डेंसिटी रेशियो इज इक्वल ग्रेटर देन वन बॉडी इज फुली सबमर्ज। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस भी होता है, उसके बाद नेक्स्ट है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग डायमेंशन डिफरेंट क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, कभी कभी डायरेक्ट डायमेंशन भी पूछ सकता है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए होता है ये एल टू टी माइनस वन, स्पेसिफिक वेट के लिए होता है एम एल माइनस टू टी माइनस टू, विस्कोसिटी के लिए एम एल माइनस वन टी माइनस वन, सरफेस टेंशन के लिए होता है एम टी माइनस टू। ठीक है, तो डिफरेंट फ्रॉड नंबर निकालना है, तो उसके लिए एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ आई बाई एफ जी, तो यहाँ से इसका रिलेशन आता है स्क्वायर रूट में इनर्शियल फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वी बाई एल जी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अभी अगर फ्रॉड नंबर इक्वल हो रहा है तो उस केस में वी बाई स्क्वायर रूट एल जी, तो उससे आपको अलग अलग क्वेश्चन आता है, तो इसका रिलेशन क्या है, स्क्वायर रूट में इनर्शियल फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फ्रॉड नंबर आता है, यूलर नंबर आता है, तो उसको तो इनर्शियल फोर्स बाई प्रेशर फोर्स। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में इनर्शियल फोर्स बाई प्रेशर फोर्स होता है यूलर नंबर, इसके लिए वी बाई स्क्वायर रूट में पी बाई रो। तो ये वेबर नंबर आता है, तो उसके लिए वेबर नंबर के लिए वी बाई स्क्वायर रूट सिग्मा बाय रो एल, तो इनर्शियल फोर्स बाय सरफेस टेंशन, तो इनर्शियल बाय सरफेस, इनर्शियल बाय प्रेशर, ये होता है इनर्शियल बाय ग्रेविटेशनल। ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब मैक नंबर होता है, तो ये इनर्शियल फोर्स बाय इलास्टिक फोर्स होता है वी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के बाय रो। ठीक है, तो ये पीडीएफ है इसलिए मैं ज़्यादा उसको स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ, आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको बता रहा हूँ। ठीक है, यू हैव टू सी वाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम राइट, सो वी हैव टू नॉट लुक ऑल द टर्म्स राइट, सो दैट्स व्हाई वी विल बी टीचिंग दिस गाइस। तो डायमेंशनल एनालिसिस से वही है, यूनिट आपको पता रहना चाहिए, और जो मैं फार्मूला बताया डायमेंशनलेस नंबर का, उसका डायरेक्ट रिलेशन पूछ सकता है। यहाँ पे अपना नेक्स्ट आता है फ्लो पास इमर्ज ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फ्लो पास इमर्ज ऑब्जेक्ट, उसके लिए ड्रैग फोर्स निकालना है, तो उसको आपको ध्यान रखना है एफ डी इक्वल टू स्क्वायर रूट मतलब इंटीग्रेशन ए डी एफ डी, तो ये बन के आता है। ठीक है, लिफ्ट फोर्स है तो फार्मूला है ये। ठीक है, तो ड्रैग फोर्स इज द नेट फोर्स एग्जर्टेड बाय ए फ्लूइड ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वॉल शियर एंड प्रेशर फोर्स। ठीक, स्किन फ्रिक्शन ड्रैग ड्यू टू वॉल स्ट्रेस, प्रेशर ड्रैग, फॉर्म ड्रैग डिपेंड्स ऑन फॉर्म शेप ऑफ बॉडी। ठीक है, फॉर्म या तो शेप ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है। तो आगे देखते हैं, ठीक है, ड्रैग
ड्रेग कोफिशियंट निकालना है तो सी डी इज इक्वल टू एफ डी फ्रिक्शन बाई 1/2 रो यू स्क्वायर ए। तो यहाँ पे सी डी इज एफ डी प्रेशर 1/2 रो यू स्क्वायर ए फॉर्म, और प्रेशर ड्रेग फ्रिक्शनल ड्रेग। तो सी डी एफ रेनॉल्ड नंबर ऑफ पार्टिकल, फंक्शन होता है रेनॉल्ड नंबर ऑफ पार्टिकल रो जी नॉट डी बाई म्यू। ठीक है, जी नॉट जो है मीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। तो ये आपको टू रिमेम्बर दिस। सो स्ट्रीम लाइनिंग है तो डिक्रीजेस पावर प्रेशर ड्रेग बाई डिलेइंग बाउंड्री लेट सप्रेशन, इंक्रीजेस फ्रिक्शन ड्रेग बाई इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑप्टिमाइजेशन नीडेड। ठीक है, ड्रेग कोफिशिएंट वर्सेस रेनॉल्ड नंबर प्लॉट, ये इसको इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो फॉर लो रेनॉल्ड नंबर ड्रेग फोर्स फॉर स्क्वेयर कन्फर्म्स टू अ थ्योरेटिकल इक्वेशन कॉल्ड स्टोक्स। ठीक है, स्टोक्स लॉ। ठीक, तो ये होता है एफ डी ड्रेग फोर्स 3 पाई म्यू नॉट डी पी। ठीक, ये हो गया स्टोक्स लॉ। और इन दिस रीजन ड्रैग कोफिशिएंट आता है 24 बाय रेनॉल्ड नंबर ऑफ पार्टिकल, रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1 होना चाहिए। और इन फ्लो इन स्टोक्स लॉ रीजन इज क्रीपिंग फ्लो। ठीक, क्रीपिंग फ्लो होता है तो रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 1 है, सी डी स्टोक्स लॉ लिमिट से ज्यादा होता है। ठीक है, ये सब कंडीशन है तो देख सकते हो। ठीक है, वर्टेक्स ऑफ जनरेशन हैपन, रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 200 300 सब है। ठीक है, स्टेगनेशन प्रेशर के लिए पी एस बाई पी नॉट टू पावर 1/1 - 1/r इक्वल टू एस बाई टी नॉट। ये हो गया। अब यहाँ पे ये इतना सारा बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते रहना है आपको। इसके बाद आ रहा है फ्लो थ्रू बेड्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, फ्लो थ्रू बेड्स ऑफ सॉलिड, तो बेड्स ऑफ सॉलिड है उसमें फ्लो कराते हैं, कोई फ्लू लगता है कोई, ये टॉपिक आपको स्टार मार्क कर लेना है। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के आ सकते हैं, 3 1 मार्क्स के भी आ सकते हैं। इक्विवेलेंट चैनल डायमीटर फॉर पैक बेड, इट इज अज्यूम दैट द बेड हैज अ सेट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर चैनल हुज टोटल सरफेस एरिया एंड वाइड वॉल्यूम मैच दोज ऑफ बेड। ठीक, तो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी इसको इम्पोर्टेंट रहता है, तो पता ही रहता है पाई एस इज इक्वल टू 6 बाई डी पी बाई एस पी बाई डी पी, या तो फिर एस पी बाई पी इक्वल टू 6/5 में डी पी। ठीक है, तो इसका और भी आपको 6 VP on DP by S। ठीक है, स्पेसिटी निकालने का सबसे पहले फाई इज डिफाइंड एज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो फॉर स्क्वायर ऑफ अ डायमीटर डीपी डिवाइडेड बाय सरफेस वॉल्यूम रेशियो फॉर द पार्टिकल हुज नॉमिनल साइज इज डीपी। ठीक है, तो मतलब जो वॉल्यूम मेजर करना होता है उसको एज्यूम कर लेते हैं स्क्वायर करके। तो ठीक है, उससे क्या होता है वहाँ पे हम लोग डीपी निकाल लेते हैं उसको इक्विवेलेंट मान के। ठीक है, जो भी पार्टिकल उसको वॉल्यूम को हम लोग स्क्वायर के वॉल्यूम से इक्वेट कर देते हैं, तो वहां से डीपी आ जाता है और उसका सरफेस एंड वॉल्यूम पार्टिकल पता ही रहता है, तो उससे आ जाता है 6 VP/DP SP। ठीक, ये सबसे पहले निकालना होता है तो उसको हम लोग स्पेयर एज्यूम करके निकाल लेते हैं। तो ये सब स्पेरिसिटी इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोजली एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज दैट ऑफ परफेक्ट स्पेयर। तो स्पेयर से इसको कंपेयर किया जाता है, इसलिए कितना स्पेयर के क्लोज है वो बताता है स्पेरिसिटी। तो ये वाइड फ्रिक्शन और पोरोसिटी, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम अवेलेबल इन साइड बेड ऑफ बेड टू मूव। ठीक है, जो बेड रहता है उसमें कितना फ्रैक्शन वाइड है वो बताता है वाइड फ्रैक्शन। ठीक है, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन जो है 1 - एप्सिलॉन हो जाएगा, एप्सिलॉन क्या है वाइड फ्रैक्शन, तो 1 - एप्सिलॉन हो जाएगा वॉल्यूम फ्रैक्शन। तो रिलेशन बिटवीन एवरेज वेलोसिटी इन चैनल वी बार एंड एम्प्टी टावर वेलोसिटी वी बार ना। ठीक, तो ये उसके लिए रिलेशन होता है जो टावर वेलोसिटी है वी नॉट बार इज इक्वल टू एप्सिलॉन वी बार। ठीक, तो ये इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये होता है फॉर लेमिनर फ्लो थ्रू बेड एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ड्रॉप इज गिवन बाय कोजनी कार्मन इक्वेशन, ओरिजिनल हेगन इक्वेशन डेल्टा पी बाई एल इक्वल टू 150 μV₀ बाई फाई एस स्क्वायर डी पी स्क्वायर 1 - E² / E मतलब एप्सिलॉन क्यूब फॉर पार्टिकल रेनॉल्ड नंबर अप टू 1। ठीक है, तो ये फॉर ये लेमिनर होता है, जनरली ये लेमिनर के लिए होता है। ठीक है, तो उसको कोजनी कार्मन इक्वेशन बोलते हैं, तो डेल ये बता दिया। अब इसमें एक और आता है नेक्स्ट फॉर हाई रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर अगर हाई हो रहा है उसको बर्क प्लमर इक्वेशन बोलते हैं, बर्क प्लमर इक्वेशन। ठीक, जो होता है डेल्टा पी बाई एल इज इक्वल टू 1.75 V₀² रो एफ आई एस डी पी 1 - एप्सिलॉन / एप्सिलॉन³ और रेनॉल्ड नंबर ऑफ पार्टिकल 1000 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर ऑफ पार्टिकल ग्रेटर देन 1000 है मतलब ये टर्बुलेंट केस के लिए होता है, मतलब ये क्या है इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें डेल्टा पी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वी नॉट का स्क्वेयर, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है तो ये प्रोपोर्शनल देख लो आप।
ठीक है, इसको विस्कस लॉस, इसको काइनेटिक एनर्जी लॉस भी बोलते हैं। ठीक है, विस्कस लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी लॉस, ये टर्बुलेंट के होता है, लेमिनर के होता है, दो अलग अलग होता है। इसको कोजनी कारमान बोलते हैं, इसको ब्रक प्लमर। ठीक है, तो इसको दोनों को मिला के हम लोग अर्गन इक्वेशन बोलते हैं, एम्पिरिकल इक्वेशन फॉर टोटल रेंज ऑफ फ्लो रेट सेल्स अर्गन इक्वेशन, डेल्टा पी बाई एल इज इक्वल टू 150 म्यू नॉट बाई में 5 स्क्वायर डी पी स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर, विस्कस लॉस सोर्सेस हो गया, प्लस 1.75 रो वी नॉट स्क्वायर बाई 5 डी पी 1 माइनस ई डिवाइडेड में ई क्यूब, ये काइनेटिक लॉस हो गया, राइट। तो व्हिच आई हैव एक्सप्लेन अर्लियर, यू कैन सी दिस, राइट। तो ये हो गया अपना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फ्लो थ्रू बेड्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, मोशन इन पार्टिकल थ्रू फ्लूड्स, मोशन मोशन ऑफ पार्टिकल थ्रू फ्लूड्स के देख लेते हैं। उसके लिए इम्पोर्टेंट है एक्सटर्नल फोर्स, एक्स ग्रेविटेशनल और सेंट्रिपिटल फोर्स होता है, बॉयंट फोर्स होता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन पार्टिकल, ठीक, कोई पार्टिकल है उसमें रिजल्टेंट फोर्स लग जाता है, तो एम डी यू बाई डी टी, मतलब ये एक्सेलरेशन हो गया, इक्वल टू एफ ई माइनस एफ बी माइनस एफ डी, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स माइनस बाउंसिंग फोर्स माइनस ट्रैक फोर्स, तो यहाँ से रिलेशन है एम डी यू बाई डी टी इक्वल टू एम ए ई माइनस एम रो ए बाई रो पी माइनस सी डी रो वी स्क्वायर ए पी बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी कॉन्सेप्ट आता है, तो कॉन्स्टेंट जी कॉन्स्टेंट होता है, एफ टी बढ़ेगा विथ वी, तो द पार्टिकुलर वेन रीचेस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विच इज मैक्सिमम अटेनेबल अंडर द सर्कमस्टेंस द वेलोसिटी नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो मैक्सिमम होता है जहाँ पे वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होता है, मतलब फ्री फॉलिंग जब होता है, ठीक, तो वो हो जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। तो उसके लिए रिलेशन आता है वी टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2g स्क्वायर में रो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस डेंसिटी माइनस एम डिवाइडेड में ए पी, ये वाला जो फॉर्मूला है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर हॉलो स्क्वायर मास इक्वल टू रो पाई बाई 6 डी क्यू माइनस डी बाई 2 क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया, और वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, ठीक। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी आपको ध्यान रखना है, तो ये यू टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2g रो पी माइनस रो बाई एम ए पी रो पी सी डी, ठीक है। तो इसको रिलेशन है, तो फ्री एंड हिंडर्ड सेटलिंग, ठीक है, हिंडर्ड सेटलिंग और फ्री सेटलिंग होता है व्हेन द पार्टिकुलर इज एट सफिशियंट डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ कंटेनर एंड फ्रॉम अदर पार्टिकल सो दैट इट्स फॉल इज नॉट अफेक्टेड बाय देम, देन प्रोसेस इज फ्री सेटलिंग, रिवर्स इज नोन एज हिंडर्ड सेटलिंग, राइट। सो ये हो गया फ्री एंड हिंडर्ड सेटलिंग, इसके रिलेशन है उसको देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पुटिंग मास है इसका इतना, ठीक है, इसका एरिया 5 4 dp प्रीवियसली, तो ut आ जाता है स्क्वायर रूट 4g डेंसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस रो टू dp बाय 3c0, राइट। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो एट लो रेनॉल्ड नंबर cd इज इक्वल टू 24 बाय रेनॉल्ड नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब स्टोक्स लॉ रीजन है, अगर उस केस में टर्मिनल वेलोसिटी आता है जी डी पी स्क्वायर बाई टी म्यू रो पी माइनस रो, और यहाँ पे यू टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर फॉर्म स्क्वायर, और यहाँ पे होता है स्क्वायर रूट ऑफ डायमीटर, तो दो केस होता है, न्यूटन्स के लिए होता है, ठीक है, और लो रेनॉल्ड नंबर पार्टिकल के लिए स्टोक्स लॉ रीजन होता है। तो उसके लिए टर्मिनल वेलोसिटी जी डी पी स्क्वायर बाई टी म्यू डेंसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूड, तो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर, राइट। तो ये सब इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख सकते हो, तो 8 रेनॉल्ड नंबर, हायर रेनॉल्ड नंबर सी डी डायरेक्टली 0.44 लेना है, तो मतलब टर्बुलेंट के लिए आपको ड्रैग कोएफिशिएंट डायरेक्टली 0.44 ले लेना है, और उसके लिए अगर स्टोक्स रिजाइन के केस में है तो सी डी 24 बाई रेनॉल्ड नंबर पार्टिकल होता है, ठीक है। तो उसके लिए गैलीले नंबर आर्किमिडीज नंबर होता है रो एस माइनस रो रो जी पी क्यूब बाई म्यू स्क्वायर इनर्शिया फोर्स वायंस फोर्स फोर्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे यू टी आ जाएगा 1.75 दिस वन, एंड सो वी टी डायमीटर का फॉर न्यूटन्स लॉ रीजाइन टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ पार्टिकल का फॉर्म 1/2, और स्टोक्स लॉ रीजाइन यू टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर, तो दो इसके इंपॉर्टेंट रिलेशन है,
और ये होता है यू ए बाई वी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो ए स्क्वायर रूट ऑफ रो ए माइनस रो डिवाइडेड बाय रो बी माइनस रो। ठीक तो ये फ्लूडाइजेशन के केस में देख लेते हैं। तो फ्लूडाइजेशन क्या होता है, द फ्लूइड वेलोसिटी स्टडी इंक्रीज द प्रेशर ड्रॉप एंड द ड्रैग ऑन द इंडिविजुअल पार्टिकल इंक्रीजेस एंड इवेंचुअली द पार्टिकल्स स्टार्ट टू मूव एंड बिकम सस्पेंडेड इन द फ्लूइड। द टर्म फ्लूडाइजेशन और फ्लूडाइज बेड आर यूज टू डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ फुली सस्पेंडेड पार्टिकल सिंस सस्पेंशन बिहेव्स लाइक अ डेंस फ्लूइड। तो एक स्टेज आता है जहाँ पे क्या होगा, जो फ्लूड है वो मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लूड के साथ में थोड़ा सा अब ऊपर की ओर होने लगते हैं, तो उस टाइम से जो वेलोसिटी है फ्लूड का उसी को मिनिमम फ्लूडाइजेशन वेलोसिटी बोलते हैं, इसको इंसिपिएंट फ्लूडाइजेशन बोलते हैं। तो उस केस में डेल्टा पी बाई एल इक्वल टू जी वन माइनस ई तब वन माइनस एप्सिलॉन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूड पास्कल पर मिनट मीटर होता है। तो ये वाला जो रिलेशन है इंपॉर्टेंट बन के आता है इंसिपिएंट फ्लूडाइजेशन या मिनिमम फ्लूडाइजेशन के लिए डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आते हैं। तो डेल्टा पी बाई एल वो इक्वल टू जी वन माइनस एप्सिलॉन मतलब ये पोरोसिटी है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूड। रेनॉल्ड नंबर ऑफ पार्टिकल लेस देन वन है, मिनिमम फ्लूडाइजेशन वेलोसिटी निकालने के लिए फार्मूला आपको याद करना है। ठीक है, मिनिमम फ्लूडाइजेशन केस में है रेनॉल्ड नंबर लेस देन वन, और रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 1000 है तो ये आपका बन जाएगा 5 ds 20 mass। ठीक, तो ये दो इंपॉर्टेंट है, इससे आपको मिनिमम फ्लूडाइजेशन वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन एंड मीटरिंग ऑफ फ्लूड राइट, तो उसके लिए नॉमिनल डायमीटर पता रहा, शेड्यूल नंबर बर्मिंगम वायर गेज तीन इंपॉर्टेंट है तो रहना चाहिए। शेड्यूल नंबर ज़्यादा है तो उसका नॉमिनल डायमीटर ज़्यादा होगा, बर्मिंगम वेज ज़्यादा है तो उसका कम होता है। दोनों को एक बार आया था गेट में, अगर शेड्यूल नंबर ज़्यादा हो रहा है मतलब नॉमिनल डायमीटर ज़्यादा होगा, बर्मिंगम वायर गेज ज़्यादा हो रहा है तो उसका नॉमिनल डायमीटर कम होगा। ठीक है, और टर्बुलेंट टू स्टील पाइप तो ये टर्बुलेंट के लिए होता है तो आपको ध्यान रखना है। वाल्व्स बहुत सारे वाल्व्स यूज किए जाते हैं फ्लूड मैकेनिक्स में फ्लूड के फ्लो के लिए, तो गेट वाल्व आर यूज फॉर जनरली ऑन ऑफ पर्पस, ग्लोब वाल्व यूज फॉर कंट्रोलिंग फ्लो, ओपनिंग इंक्रीजेस ऑलमोस्ट लिनियरली विथ स्टेम, फ्लूड चेंजेस डायरेक्शन सेवरल टाइम, दस डेल्टा पी इज वेरी लार्ज होता है डेल्टा पी। बॉल वाल्व यूज फॉर थ्रोटलिंग सर्विसेज, फॉर दिस सीलिंग एलिमेंट इज स्फेरिकल 90 डिग्री से डिग्री कम्प्लीटली ओपन आर फ्लो। चेक वाल्व ये होता है वन डायरेक्शन फ्लो, इट इज ओपन बाई फ्लूड प्रेशर एंड व्हेन द फ्लो स्टॉप्स ऑन रिवर्स देन वाल्व इज ऑटोमेटिकली क्लोज बाई ग्रेविटी आर राइजिंग स्पेसिंग अगेंस्ट द डिस्क राइट। तो ये हो गया। अब इसके बाद मैकेनिकल सील स्टफिंग बॉक्स ये सब यूज किया जाता है फ्लो कंट्रोल के लिए। अब इसमें नेक्स्ट आ जाता है हमारा पंप पंप। ठीक है, उसमें जो पंप यूज किया जाता है उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूड के लिए, तो ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन द एरिया ऑफ लोएस्ट प्रेशर अकर्स नियर इम्पेलर व्हेन एंट्रेंस। ठीक है, तो एन एफिशिएंसी होता है ईटा डब्ल्यू पी इक्वल पी बी बाय रो अल्फा बी वी स्क्वायर बाय टू जी जेड बी, ये एच बी हो गया, माइनस पी ए बाय रो अल्फा ए वी स्क्वायर टू जी जेड ए एच ए, एक लोकेशन दूसरा है लोकेशन दूसरा, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से आपका पावर ऑफ पंप निकल जाता है एच बी माइनस एच ए अपॉन में एफिशिएंसी, यहाँ पे एच जो है वर्क पर यूनिट मास है, वे जेड इज नॉट गिवन जेड वन एच यू जेड वन बाय जेड टू। ठीक है, मतलब अगर जेड नहीं दिया है तो सेम लोकेशन पे है उसको आपको ध्यान रखना है। तो एच बाई जी इक्वल टू बाई रो जी प्लस जेड अल्फा वी अल्फा बार वी स्क्वायर बाय टू जी एच इन लेंथ यूनिट। ठीक है, तो ये हेड जनरली हेड होता है। पावर रिक्वायरमेंट जो होता है पी बी एम बार एम एम डॉट डब्ल्यू पी, यहाँ से एम डॉट डेल्टा एच बाई एफिशियंसी पावर सप्लाइड बाई पंप टू ड्राइव फ्लूड। तो ये हो गया पी एफ एम डॉट डेल्टा एच मतलब मास फ्लो रेट आपको निकालना होता है क्यू। ठीक है, और रो और एच। ठीक है, तो यहाँ से इसका आ जाता है ठीक पावर डिलीवर्ड टू फ्लूड। ठीक है, तो जनरली एम डेल्टा एच जैसा है, तो पावर जो होता है अगर एफिशिएंसी दिया है कुछ तो उसको एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई भी कर देना होता है। तो पंप कैविटेशन अकर्स व्हेन द प्रेशर इन द पंप इनलेट ड्रॉप
बिलो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड वेपर। वेपर प्रेशर लिक्विड के ऊपर प्रेशर से अगर कम हो रहा है उस केस में केविटेशन हो जाता है। नेट पॉजिटिव सक्शन रेट ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो टू अवॉइड केविटेशन द प्रेशर एट द पम इनलेट मस्ट एक्सीड द वेपर प्रेशर ऑफ अ सर्टेन वैल्यू। ठीक है, वेपर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, एक्सीड करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड नेट पॉजिटिव सक्शन रेट। नेट पॉजिटिव सक्शन रेट स्मॉल पम्प ये 2 से 3 मीटर होता है। नेट पॉजिटिव सक्शन रेट लार्ज पम्प के लिए 15 मीटर होता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है नेट पॉजिटिव सक्शन रेट इज इक्वल टू 1 बाय जी पी ए डैश माइनस पी वी पायरो माइनस एच एफ एस माइनस जेड ए। एच एफ एस सक्शन लाइन फ्रिक्शन, जेड ए हाइट ऑफ वाटर इक्वल टू पम्प और कोल्ड वाटर मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट 10.4 मीटर एंड प्रैक्टिकल मैक्सिमम लिफ्ट 7.6 मीटर। तो ये सब नेट पॉजिटिव सक्शन रेट का है। ठीक है, ठीक। व्हेन गिवन हेड इज इन मीटर देन मींस पी ए बाय रो जी पी वी बाय रो जी इज गिवन व्हिच हैज यूनिट ऑफ मीटर। नेट पॉजिटिव सक्शन रेट इज इक्वल टू पी बाय रो जी माइनस प्रेशर वेपर प्रेशर बाय रो जी माइनस एच एफ एस माइनस एच एस एच एस सक्शन हेड। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। नेट पॉजिटिव सक्शन रेट इन केस ऑफ ए दिस इज द नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल एट पंप इंपेलर इनलेट। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड बी दिस इज नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड बाय द पंप टू ऑपरेट विदाउट एक्सपीरियंसिंग डैमेजिंग रोटेशन एंड ड्रामेटिक रिडक्शन इन पंप कैपेसिटी। सो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड ये वाला फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये वाइड कैविटेशन के लिए होता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हमारे पास होता है, उसमें पंप के टाइप्स हैं तो रेसिप्रोकेटिंग पंप, रोटरी पंप, पेरिस्टाल्टिक पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप में पिस्टन पंप होता है डिस्चार्ज प्रेशर अप टू 50 atm के लिए, प्लंगर पंप डिस्चार्ज प्रेशर अप टू 1500 atm, डायफ्राम पंप एंड डस्ट टॉक्सिक एंड क्रोसी लिक्विड डिस्चार्ज प्रेशर अप टू 100 atm। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है मैचिंग टाइप में। ठीक है, इंडस टॉक्सिक एंड क्रोसी लिक्विड डायफ्राम पंप में आता है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी रेशियो ऑफ वॉल्यूम अप टू डिस्चार्ज टू द वॉल्यूम स्वेप बाय द पिस्टन और प्लंजर। रोटरी पंप होता है हमारे पास गियर पंप, हाई विस्कस फ्लूइड के लिए यूज किया जाता है। लो पंप स्क्रू पंप केम पंप वेन, ठीक है, वेन पंप होता है। तो गियर पंप तो हाई विस्कस फ्लूइड के लिए हो गया, बाकी जो पंप है अप टू 200 atm के लिए यूज होते हैं। क्लीन एंड मॉडरेटली विस्कस लिक्विड और पंप एक्सेप्ट लिक्विड ट्यूब आई। ठीक है, पंप इज अप टू टाइप रोटोडायनेमिक सेंट्रिफ्यूगल एक्सेल सेल्फ प्राइमिंग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मेंशन्ड अबव। ठीक है, स्टार्टिंग पंप भी होता है एक्वस स्टराइल लिक्विड के लिए। सेंट्रिफ्यूगल पंप टेंजेंशियल डिस्चार्ज होता है, इसमें फैन होता है जनरली सेंट्रिफ्यूगल, दे डिस्चार्ज लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस एंड जनरेट वेरी लो प्रेशर। ठीक है, 0.05 atm। फैन लो प्रेशर राइज हाई फ्लो रेट लोअर मॉडरेट टू हाई प्रेशर राइज एंड मॉडरेट टू हाई फ्लो रेट पॉजिटिव। लोअर होता है डेवलप प्रेशर अप टू 2 atm पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट सेंट्रिफ्यूगल सकता है। ठीक है, वेंचुरी मीटर जो फ्लो मेजरमेंट के लिए हमारे पास मीटर्स हैं, तो वेंचुरी मीटर है तो उसके लिए फॉर्मूला था वी वी इक्वल टू सी वी डिवाइडेड में 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 पी ए माइनस पी बी रो जी। ठीक है, यहाँ पे बीटा जो होता है डायमीटर ऑफ थ्रोट डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ पाइप। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं गाइस, राइट, सो यू हैव टू रिमेंबर। एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट उस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे वी बार टू एस बी बार। तो सी वी एस बी डिवाइडेड में स्क्वायर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर स्क्वायर 2 डेल्टा पी बाय रो क्यू। ठीक है, मास फ्लो रेट जो होता है तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इनटू डेंसिटी। वर्कपीस मीटर के लिए भी बार होता है सी, जो यहाँ पे वेंचुमीटर कांस्टेंट है वर्कपीस मीटर सी सी नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस बीटा टू पावर 4 स्क्वायर 2 डेल्टा पाई बाय रो 2 डेल्टा पी बाय रो, ये वर्कपीस मीटर के लिए होता है वर्कपीस मीटर। दीज आर द फार्मूलाज। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे। रोटामीटर जो होता है वो क्या है, वेरिएबल एरिया मीटर है और वेंचुमीटर एंड वर्कपीस मीटर है वो वेरिएबल हेड है और पिटार्ड ट्यूब लोकल यूनिवर्सिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, एक और होता है पिटार्ड ट्यूब, पिटार्ड ट्यूब जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये होता है लोकल वेलोसिटी मेजर के लिए, लोकल या पॉइंट वेलोसिटी मेजर करने के लिए होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसका स्पेसिफिक स्पीड को देखना होता है। विच डिफाइन एज द स्पीड ऑफ अ ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप विच वुड डिलीवर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड और सेकंड अगेंस्ट द हेड ऑफ 1 मीटर एन एस। ठीक है, तो ये सब फार्मूला है। ठीक है, ये वेलोसिटी आपको
मोनोमेट्रिक फ्लूइड ठीक देख सकते हैं आप। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच पावर 3/2 डिवाइडेड में एन स्क्वायर ठीक। तो यहाँ से रिलेशन आता है। मॉडल टेस्टिंग फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप स्पेसिफिक हीट के लिए है एन एस मॉडल, एन एस प्रोटोटाइप ठीक। तो ये इसको ध्यान रखना है आपको। टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए होता है और कैपेसिटी, यहाँ पे कैपेसिटी दिया है रूट ई स्क्वायर। तो क्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डायमीटर के पावर में 3 n पावर ऑफ पंप तो ये होता है पावर ऑफ पंप डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डायमीटर पावर में 5 ये स्पीड होता है एन स्पीड पावर में 3 ठीक है। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी एन एम रोटर और इम्पेलर पावर डिवाइड बाय शाफ्ट पावर, दिस अकाउंट फॉर फ्रिक्शनल लॉस इन पैकिंग लोड्स बियरिंग आल्सो फ्रिक्शन। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ये पहला मैकेनिकल एफिशिएंसी हो गया, रोटर और इम्पेलर पावर डिवाइड बाय शाफ्ट पावर होता है। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी एनर्जी लॉस इंक्लूड सेपरेशन इनफ्लो रेंजेस एंड मैनोमेट्रिक एंड हाइड्रोलिक एच बाई एच जी जी एच अपॉन V2E2 होती है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी होता है ये ड्यू टू लीकेज इफेक्ट बिटवीन इम्पेलर एंड केसिंग, इसको आपको ध्यान रखना है। सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्सेस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप सिलेक्शन ठीक है, उसके लिए क्राइटेरिया होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप ठीक है। उसमें आता है ब्रेक हॉर्स पावर भी यूज किया जाता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पंप एफिशिएंसी 2 GV/hYWT सॉफ्ट, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अब ये सब ओके। ये देख सकते हो आप लोग पंप के लिए ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, उतना आपको ध्यान रखना नहीं है। तो ये इसको एक फार्मूला है मैनोमेट्रिक हेड निकालने के लिए, इसको मैं बता दी। तो ये सब फ्लूड मैकेनिक्स का है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से फ्लूड मैकेनिक्स का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फार्मूला है एंड होता है। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टॉट टू यू गाइस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैकेनिकल ऑपरेशन के बारे में देखेंगे ठीक। मैकेनिकल ऑपरेशन भी उसी का सेक्शन ही है, फ्लूड मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल ऑपरेशन पढ़ना होता है ठीक है। मैंने फ्लूड मैकेनिक्स का आपको बता दिया हूँ ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में लोग मैकेनिकल ऑपरेशन का जो फार्मूला है क्विक रिविजन ठीक है, फार्मूला एंड कॉन्सेप्ट को जो कि इम्पोर्टेंट है और लेस इम्पोर्टेंट है उसको बता दिया जाएगा ठीक। आई होप यू आर क्लियर। आई विल बी एंड दिस सेशन टुडे एंड नाउ आई विल एंड दिस सेशन। आई होप यू आर क्लियर गाइस। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग हियर एंड कीप वॉच माय वीडियोस एंड जो भी इम्पोर्टेंट है उसको आप नोट कर लेना जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग हियर। गुड नाइट।